पेज नंबर हम आ गए 49 पर। लास्ट टाइम हमने आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज उसी का खुलासा हम पढ़ रहे हैं, यानी वही फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा रिपीट करके खुलासे की शक्ल में हम पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 49 पर लिखा है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन पर मबनी है। उसमें सबसे पहला है अल्कोहल। पहला कौन सा है? अल्कोहल। अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर हमने लास्ट टाइम बताया था, ये बुनियादी फार्मूला उसका, सही है ना। इसमें ये चीज क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ये ऑक्सीजन की दो वैलेंसीज हैं, जिसमें से एक वैलेंसी अल्काइल ग्रुप के साथ है और एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। और इसको जब आप नाम देते हैं तो इसका नाम देते हैं ओल, आखिर में देते हैं ओल, या इथाइल अल्कोहल ऐसे भी बोलते हैं और डायरेक्ट भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास इस आर की जगह लिखा हो CH3 और ये OH है। तो कार्बन, ये मिथाइल है, इसको हम एक तो ये कह सकते हैं कि ये मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल। और एक हम इसको कह सकते हैं मीथा, मीथेन था ना, मीथेन था, तो मीथेन से मीथानॉल हो जाएगा। एक नाम रखने का तरीका ये है, ऐसे भी बोल सकते हैं उसको और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मीथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, यानी OL। मीथेन का NE हटा के उसकी जगह क्या लगा देते हैं, OL लगा देते हैं, तो इस तरह से इसका नाम डेवलप हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। बाकी प्रोपाइल ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर मिथाइल है तो मिथाइल और ये अल्कोहल।